साथियों, 16 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का सिंपल सा मतलब है कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी, और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पूरी दुनिया की जितने भी हेल्थ टीम्स हैं वो सभी मिल के इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए काम करें। अब ऐसा नहीं है कि एमपॉक्स को पहली बार यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। जुलाई 2022 से लेके मई 2023 के बीच में भी एमपॉक्स को डिक्लेयर किया गया था एज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। आंकड़े क्या कहते हैं देखिए, अगर हम बात करें 2022 से लेकर अभी तक 99,176 केसेस देखने को मिले हैं एमपॉक्स के, और इसमें से 208 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये मामला सिर्फ एक देश से रिलेटेड नहीं है, लगभग 116 कंट्रीज में इसके केसेस पाए गए हैं अभी तक, इंक्लूडिंग इंडिया। चलिए अब समझते हैं कि ये एमपॉक्स प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। देखिए, एमपॉक्स की जब हम बात करते हैं तो मेजर जहाँ पे भी पॉक्स शब्द आ गया, आपको पता है कि ऐसे गोले आपके शरीर पे बन जाते हैं, इसमें पीक भर जाता है। अब ये एमपॉक्स की जब हम बात करते हैं साथियों, पहले इसको हम कहते थे मंकी पॉक्स, अब इसको शॉर्ट करके हम कहते हैं एमपॉक्स। ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए किसी खास तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम। लेकिन बहुत सारे मौतें भी हो रहे हैं आज के टाइम में। इसका मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है। होता कैसे है, ये होता है साथियों एमपॉक्स वायरस के चलते होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे बड़ा सिम्टम तो यही होता है कि पॉक्स लाइक रैशेज जो है ये शरीर पे बनने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी जो सिम्टम्स हैं, फीवर, हेड एक, मसल्स एक, बैक पेन, लो एनर्जी, स्वॉलन लिफ नोड्स, ये सब भी आपको एमपॉक्स से अगर आप अफेक्टेड हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि ये जो डिजीजेस हैं एनिमल से ह्यूमंस तक फैलते हैं। कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल सोर्स है वो एनिमल है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है, लेकिन ओरिजिनली क्योंकि एनिमल से ही ये ह्यूमन तक पास हो रहा है तो इसलिए इसको हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। फैमिली और जीनस की अगर हम बात करें साथियों, तो ये आपको पता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फैमिली की जब हम बात करते हैं, ये आपको पता है कि ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, तो पॉक्स वायरिडाई, मोस्टली फैमिली की जब हम बात करते हैं तो DEE लास्ट में आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो फैमिली, इस फैमिली से रिलेटेड है ये एमपॉक्स वायरस, और अगर हम जीनस की बात करें तो ये ऑर्थोपॉक्स वायरस से रिलेटेड है। जब हम इस फैमिली की बात करते हैं तो इसी फैमिली से रिलेटेड जो वायरस हैं ये किस किस तरीके के डिसीज़ जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी फैमिली के जो वायरस हैं वो चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और काओ पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखिए, ट्रांसमिशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं। इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, फ्लूइड के थ्रू हो सकता है, स्किन के कॉन्टैक्ट से हो सकता है, कंटेमिनेटेड मटेरियल्स को अगर आप यूज़ करते हो उससे हो जाता है, इन्फेक्टेड एनिमल को अगर आपको बाइट कर दे तब हो जाएगा, इन्फेक्टेड एनिमल को अगर आप खा जाओ तब भी हो सकता है। तो मतलब ये हर पॉसिबल तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके वेरिएंट्स की अगर हम बात करें, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, क्लैड वन एंड क्लैड टू। क्लैड वन जो है ये साथियों सबसे ज़्यादा डेडलियर होता है। सोर्स क्या है इसका, अब देखो नाम से क्लियर है, मंकी पॉक्स कहते हैं। तो एग्जैक्ट सोर्स तो अभी तक हमें नहीं मालूम है, लेकिन मंकीज और स्क्विरल को ये कहा जाता है कि ये सोर्स हैं एमपॉक्स के। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है आज के टाइम में अवेलेबल, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट साथियों अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो कैसे हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं। सपोर्टिव केयर में क्या होता है कि जो पेन किलर्स है वो दिया जाता है, फीवर को कम करने की दवाइयाँ दी जाती है, पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड रहे इस पर ख्याल दिया जाता है, अच्छी उसकी नींद आए, अच्छा वो भोजन कर रहे हैं, अपने स्किन को स्क्रैच नहीं कर रहे हैं, स्किन को बिल्कुल ड्राई रख रहे हैं, तो ये कुछ प्रिकॉशंस बरते जाते हैं जिसे हम सपोर्टिव केयर कहते हैं। तो अभी तक हम सपोर्टिव केयर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि WHO ने ये कहा है, WHO ने कहा है कि एक्सेप्शनल केसेस में जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो एमपॉक्स के केस में दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे टेक्नोविरिमथ हो गया, MVABN हो गया, LC16 हो गया, ऑर्थोपॉक्स वैक हो गया। ठीक है, तो
ये सिर्फ एक्सेप्शन केसेस में है। अब लास्ट में सवाल ये है कि क्या इंडिया इससे अफेक्टेड हो सकता है, क्या इंडिया रिस्क पे है? तो बिल्कुल, देखो जब भी हम, अगर WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्लोबल में इंडिया भी आता है, तो इंडिया भी एट रिस्क है। बिल्कुल, अब इंडिया इसलिए भी अब ज़्यादा रिस्क में है क्योंकि पाकिस्तान में इसका केस पाया गया है, अफ्रीका के बाहर स्वीडन में इसके केसेस पाए गए, तो इंडिया भी जरूर इसके रिस्क पे है। तो अभी अभी क्या चीज़ की जरूरत है? अभी जरूरत यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी लीडिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के, वो सभी मिलके एम पॉक्स को ट्रीट करने के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जो है उसको लेकर आए, इसके लिए वैक्सीन डेवलप की जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।